बोला कि हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे, सदन की बात सदन में करेंगे, और सदन में जाकर के अपने माननीय विधायकों के सामने सारे विषय को रखा और सभी लोगों ने शांति से वो सुन रहे थे। आपने देखा कि सब ने स्वीकारा है, और बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता देखी है, निर्णय उसके हाथ में है कि जो हमने कहा वो कितना। नहीं, हमने तो सदन में अपनी पूरी बात को रखा, और माननीय विधायक जिस सदन ने हमें अध्यक्ष का सम्मान दिया, सहमति दिया, उसी सदन में हमने पहले भी बोला कि हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे, सदन की बात सदन में करेंगे, और सदन में जाकर के अपने माननीय विधायकों के सामने सारे विषय को रखा, और सभी लोगों ने शांति से वो सुन रहे थे। आपने देखा कि सब ने स्वीकारा है, और बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता देखी है, निर्णय उसके हाथ में है कि जो हमने कहा वो कितना सत्य है या कितना असत्य है। लेकिन एक बात आ रही है कि नरेंद्र नारायण यादव को आपने वहाँ ये कर दिया, क्योंकि उपाध्यक्ष थे, अध्यासी सदस्य है, वो अध्यासी सदस्य हमारे हैं, ऐसा उपाध्यक्ष का लिखा हुआ कहीं नहीं है। अध्यासी सदस्य वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको दिया गया, वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही मिलनसार, पूरे सदन के लोग के चाहत रहती है। ठीक है कि दुर्भाग्य से वो मंत्री नहीं बने, लेकिन सदन में बड़े सम्मानित लोग हैं, तो सदन में वैसे लोग को बैठाया जैसे इसको सबको लेके चले। और उपाध्यक्ष का तो अब मौका मिलेगा ही, उपाध्यक्ष का तो पूरा सदन ही है उपाध्यक्ष।